अमेरिकन फोटोग्राफर स्टीव मैकुरी अपनी बेस्ट फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। उनकी अफगान गर्ल वाली खींची गई वायरल पिक्चर पूरी दुनिया में मशहूर हो गई थी। उनकी कई ह्यूमन लाइफ वाली पिक्चर्स में से कुछ साल पहले आई एक और पिक्चर वायरल हुई थी, अफगान रिफ्यूजी ओल्ड मैन शाहबाज की। दिखने में यह शख्स हूबहू अमिताभ बच्चन जी के जैसा लग रहा था और उन दिनों अमित जी की फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग जोरों पर चल रही थी और उस पिक्चर को देख के यही लोगों ने सोचा कि ये बिग बी का ठग ऑफ हिंदुस्तान का लुक है। बाद में पता चला कि अमेरिकन फोटोग्राफर स्टीव मैकुरी द्वारा खींची गई अफगान मैन की पिक्चर है। खैर, बात अब बीत चुकी थी। 5 साल बीतने के बाद अब दुनिया को इस पिक्चर के बारे में पता चल गया था, तो भाई गणपत के मेकर्स को भी पता ही होगा ना, और बिग बी को तो जरूर पता होगा इस वायरल पिक्चर के बारे में। अब मेकर्स ने बिग बी को सेम कॉपी पेस्ट करके उसी पिक्चर की हूबहू लुक में गणपत में उतार दिया। अरे भाई कुछ तो ऊपर नीचे करते भाई, इतनी भी कॉपी पेस्ट करने की क्या जरूरत थी। मानता हूं भारतीय सिनेमा में कई सालों से कॉपी पेस्ट का आइटम वाला टैग हमेशा से लगता चला आया है, मगर इंस्पायर्ड होने में और छापने में बहुत अंतर होता है। टाइगर श्रॉफ का क्या कहें, वही घिसा पिटाना अपना पुराना पिटारा लेके आ रहे हैं गणपत में। सिक्स एक्स ऐप और उड़ते हुए यहां से वहां छलांग लगाना, बस मुझे ट्रेलर में यही लगा। फिल्म में कुछ नया नहीं देखने को मिलने वाला है, वही सब पुराना माल मिलेगा टाइगर श्रॉफ का। वीएफएक्स भी कुछ खास स्तर का नहीं। अब देखते हैं रिलीज के बाद ऑडियंस का रिएक्शन क्या देखने को मिलता है। आपका क्या कहना है दोस्तों इस बिग बी के लुक को लेकर के, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में द एके शो में। धन्यवाद।